गांवों की स्थिति और आवश्यकताओं को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांवों में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांवों में तालाबों व पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गंगेजरी में स्थित बासा खुर्द गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान राम सिंह हैं। लगभग 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 17 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 14 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसीटाइज रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 145 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने ABPS न्यूज के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सरकारी ट्यूबवेल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, सीसीटाइज रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। तो ग्राम प्रधान बासका खुर्द प्रधान पति जावेद साहब, ना तो इसमें क्या नाम आवास वगैरह हैं, कोई भी इसमें उसका काम नहीं है। आवासों को छप्पर के घर मकान, पिछड़ा गांव है हमारा, कोई भी अभी तक इसमें सुविधा नहीं है। ना पालिका निकाल है, सफाई कर्मी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गंद फैली पड़ी है गांव में। अगर जो उससे कहते हैं तो उल्टे सीधे जवाब देता है, बात करता है मेरी न्यू पहुँच है, ये है वो है। पंचायत घर नहीं है, ना आंगनवाड़ी के अंदर है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ ऐसा सुविधा वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ।